आप लोग पद्म पुराण सुन रहे हैं। इससे पहले भी मैंने कुछ ऑडियो बनाए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने इससे पहले के ऑडियो नहीं सुने हैं तो आप उसे सुन लीजिएगा। भीष्म और बुलस्ते का संवाद, सृष्टि क्रम का वर्णन तथा भगवान विष्णु की महिमा। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, जो सृष्टि रूप मूल प्रकृति के ज्ञाता तथा इन भावनात्मक पदार्थों के दृष्टा हैं, जिन्होंने इस लोक की रचना की है, जो लोक तत्व के ज्ञाता तथा योगवेता है, जिन्होंने योग का आश्रय लेकर संपूर्ण चराचर जीवों की सृष्टि की है और जो समस्त भूतों तथा अखिल विश्व के स्वामी हैं, उन सच्चिदानंद परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं। फिर ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, अन्य लोकपाल तथा सूर्यदेव को एकाग्रचित से नमस्कार करके ब्रह्म स्वरूप वेद व्यास जी को प्रणाम करता हूं। उन्हीं से इस पुराण विद्या को प्राप्त करके मैं आपके समक्ष प्रकाशित करता हूं, जो नित्य सद सत्व स्वरूप अव्यक्त एवं सबका कारण है। वह ब्रह्मा ही महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत विशाल ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। यह विद्वानों का निश्चित सिद्धांत है। सबसे पहले हिरण्यमय यानी तेजोमय अंड में ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। वह अंड सब ओर जल से घिरा है। जल के बाहर तेज का घेरा और तेज के बाहर वायु का आवरण है। वायु आकाश से और आकाश भूतादि तामस अहंकार से घिरा है। अहंकार को महतत्व ने घेर रखा है और महतत्व अव्यक्त मूल प्रकृति से घिरा है। उक्त अंड को ही संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति का आश्रय बताया गया है। इसके सिवा इस पुराण में नदियों और पर्वतों की उत्पत्ति का बारंबार वर्णन आया है। मनवंतरों और कल्पों का भी संक्षेप में वर्णन है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महात्मा पुलस्त्य को इस पुराण का उपदेश दिया था। फिर पुलस्त्य ने इसे गंगा द्वार यानी हरिद्वार में भीष्म जी को सुनाया था। इस पुराण का पठन, श्रवण तथा विशेषतः स्मरण धन, यश और आयु को बढ़ाने वाला एवं संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो द्विज, अंगों और उपनिषदों सहित चारों वेदों का ज्ञान रखता है, उसकी अपेक्षा वह अधिक विद्वान है जो केवल इस पुराण का ज्ञाता है। इतिहास और पुराणों के सहारे ही वेद की व्याख्या करनी चाहिए, क्योंकि वेद अल्पज्ञ विद्वान से यह सोचकर डरता रहता है कि कहीं यह मुझ पर प्रहार न कर बैठे, अर्थ का अनर्थ न कर बैठे। तात्पर्य यह है कि पुराणों का अध्ययन किए बिना वेदार्थ का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। यह सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, मुने भीष्म जी, जहां पर्वतमालाओं को भेद कर बड़े वेग से बाहर निकलती है, वह महान तीर्थ गंगा द्वार के नाम से विख्यात है। पितृभक्त भीष्म जी वहीं निवास करते थे। वे ज्ञानोपदेश सुनने की इच्छा से बहुत दिनों से महापुरुषों के नियम का पालन करते थे। स्वाध्याय और तर्पण के द्वारा देवताओं और पितरों की तृप्ति तथा अपने शरीर का शोषण करते हुए भीष्म जी के ऊपर भगवान ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। वे अपने पुत्र मुनि श्रेष्ठ पुलस्त जी से इस प्रकार बोले, बेटा, तुम कुरुवंश का भार वहन करने वाली वीरवर देवव्रत के, जिन्हें भीष्म भी कहते हैं, समीप जाओ। उन्हें तपस्या से निवृत्ति करो और इसका कारण भी बतलाओ। महाभाग भीष्म अपनी पितृभक्ति के कारण भगवान का ध्यान करते हुए गंगा द्वार में निवास करते हैं। उनके मन में जो जो कामना हो उसे शीघ्र पूर्ण करो, विलंब नहीं होना चाहिए। पितामह का वचन सुनकर मुनिवर पुलस्त जी गंगा द्वार में आए और भीष्म जी से इस प्रकार बोले, वीर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार कोई वर मांगो। तुम्हारी तपस्या से साक्षात भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने ही मुझे यहां भेजा है। मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दूंगा।
पुलस्त जी का वचन मन और कानों को सुख पहुंचाने वाला था। उसे सुनकर भीष्म जी ने आंखें खोल दी और देखा पुलस्त जी सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही भीष्म जी उनके चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपने संपूर्ण शरीर से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए उन मुनि श्रेष्ठ को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, भगवन, आज मेरा जन्म सफल हो गया। यह दिन बहुत ही सुंदर है क्योंकि आज आपकी विश्व वंद चरणों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ है। आज आपने दर्शन दिया और विशेषतः मुझे वरदान देने के लिए गंगा जी के तट पर पदार्पण किया। इतने से ही मुझे अपनी तपस्या का सारा फल मिल गया। यह कुश की चटाई है, इसे मैंने अपने हाथों बनाया है और जहां तक हो सका है इस बात का भी प्रयत्न किया है कि यह बैठने वाले के लिए आराम देने वाली हो, अतः आप इस पर विराजमान हो। यह पलाश के दोने में अर्घ्य प्रस्तुत किया गया है। इसमें दूब, चावल, फूल, कुश, सरसों, दही, शहद, जौ और दूध भी मिले हुए हैं। प्राचीन काल के ऋषियों ने यह अष्टांग अर्घ्य ही अतिथि को अर्पण करने योग्य बतलाया है। अमित तेजस्वी भीष्म के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त मुनि कुशासन पर बैठ गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ पाद्य और अर्घ्य स्वीकार किया। भीष्म जी के शिष्टाचार से उन्हें बड़ा संतोष हुआ। वे प्रसन्न होकर बोले, महाभाग, तुम सत्यवादी, दानशील और सत्य प्रतिज्ञ राजा हो। तुम्हारे अंदर लज्जा, मैत्री और क्षमा आदि सद्गुण शोभा पा रहे हैं। तुम अपने पराक्रम से शत्रुओं को दमन करने में समर्थ हो। साथ ही धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयालु, मधुरभाषी, सम्मान के योग्य पुरुषों को सम्मान देने वाले, विद्वान, ब्राह्मण भक्त तथा साधुओं पर स्नेह रखने वाले हो। वत्स, तुम प्रणाम पूर्वक मेरी शरण आए हो, अतः मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो पूछो, मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा। भीष्म जी ने कहा, भगवन, पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने किस स्थान पर रहकर देवताओं आदि की सृष्टि की थी, यह मुझे बताइए। उन महात्मा ने कैसे ऋषियों तथा देवताओं को उत्पन्न किया, कैसे पृथ्वी बनाई, किस तरह आकाश की रचना की और किस प्रकार इन समुद्रों को प्रकट किया, भयंकर पर्वत, वन और नगर कैसे बनाए, मुनियों, प्रजापतियों, श्रेष्ठ सप्त ऋषियों और भिन्न भिन्न वर्णों को, वायु को, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों, तीर्थों, नदियों, सूर्यादि ग्रहों तथा तारों को भगवान ब्रह्मा ने किस तरह उत्पन्न किया, इन सब बातों का वर्णन कीजिए। पुलस्त जी ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, भगवान ब्रह्मा साक्षात परमात्मा है। वे पर से भी पर तथा अत्यंत श्रेष्ठ हैं। उनमें रूप और वर्ण आदि का अभाव है। वे यद्यपि सर्वत्र व्याप्त हैं, तथापि ब्रह्मा रूप से इस विश्व की उत्पत्ति करने के कारण विद्वानों के द्वारा ब्रह्मा कहलाते हैं। उन्होंने पूर्व काल में जिस प्रकार सृष्टि रचना की वह सब मैं बता रहा हूं। सुनो, सृष्टि के प्रारंभ काल में जब जगत के स्वामी ब्रह्मा जी कमल के आसन से उठे, तब सबसे पहले उन्होंने महतत्व को प्रकट किया। फिर महतत्व से वैकारिक यानी सात्विक, तेजस यानी राजस तथा भूतादि रूप यानी तामस, तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ, जो कर्मेंद्रियों सहित पांचों ज्ञानेंद्रियों तथा पंचभूतों का कारण है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पांच भूत हैं। इनमें से एक एक के स्वरूप का क्रमशः वर्णन करता हूं। भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्राओं को उत्पन्न किया। उससे शब्द गुण वाले आकाश तत्व का प्रादुर्भाव हुआ। भूतादि यानी तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को सब ओर से आच्छादित किया। तब शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा की रचना की। उससे अत्यंत बलवान वायु का प्राकट्य हुआ, जिसका गुण स्पर्श माना गया है।
तदंतर आकाश से आच्छादित होने पर वायु तत्व में विकार आया और उसने रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। वह वायु से अग्नि के रूप में प्रकट हुई। रूप उसका गुण कहलाता है। तत्पश्चात स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को सब ओर से आवृत किया। इसे अग्नि तत्व ने विकार को प्राप्त होकर रस तन्मात्रा को उत्पन्न किया। उससे जल की उत्पत्ति हुई जिसका गुण रस माना गया है। फिर रूप तन्मात्रा वाले तेज ने रस तन्मात्रा रूप जल तत्व को सब ओर से आच्छादित किया। इससे विकृत होकर जल तत्व ने गंध तन्मात्रा की सृष्टि की जिससे यह पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वी का गुण गंध माना गया है। इंद्रियां तेजस कहलाती है क्योंकि वे राजस अहंकार से प्रकट हुई है। इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता वैकारिक कहे गए हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति सात्विक अहंकार से हुई है। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन ये वैकारिक माने गए हैं। त्वचा, चक्षु, नासिका, जीभा और श्रोत्र ये 5 इंद्रियां शब्द आदि विषयों का अनुभव कराने के साधन हैं। अतः इन 5ों को बुद्धि युक्त अर्थात ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। गुदा, उपस्थ, हाथ, पैर और वाक ये क्रमशः मल त्याग, मैथुन जनित सुख, शिल्प निर्माण, हस्त कौशल, गमन और शब्दोच्चारण इन कर्मों में सहायक हैं। इसलिए इन्हें कर्मेंद्रिय माना गया है। वीर, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये क्रमशः शब्दादि उत्तरोत्तर गुणों से युक्त हैं। अर्थात आकाश का गुण शब्द, वायु के गुण शब्द और स्पर्श, तेज के गुण शब्द, स्पर्श और रूप, जल के शब्द, स्पर्श रूप और रस तथा पृथ्वी के शब्द, स्पर्श रूप रस एवं गंध ये सभी गुण हैं। उक्त 5ों भूत शांत, घोर और मूढ़ हैं, अर्थात सुख दुख और मोह से युक्त हैं। अतः ये विशेष कहलाते हैं। ये 5ों भूत अलग अलग रहने पर भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों से संपन्न हैं। अतः परस्पर संगठित हुए बिना, पूर्णतया मिले बिना ये प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ न हो सके। इसलिए परम पुरुष परमात्मा ने संकल्प के द्वारा इनमें प्रवेश किया। महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत सभी तत्व पुरुष द्वारा अधिष्ठित होने के कारण पूर्ण रूप से एकत्व को प्राप्त हुए। इस प्रकार परस्पर मिलकर तथा एक दूसरे का आश्रय ले उन्होंने अंड की उत्पत्ति की। भीष्म जी, उस अंड में ही पर्वत और द्वीप आदि के सहित समुद्र, ग्रहों और तारों सहित संपूर्ण लोक तथा देवता, असुर और मनुष्यों सहित समस्त प्राणी उत्पन्न हुए हैं। वह अंड पूर्व पूर्व की अपेक्षा 10 गुने अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूतादि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है। भूतादि महतत्व से घिरा है तथा इन सबके सहित महतत्व भी अव्यक्त यानी प्रधान या मूल प्रकृति के द्वारा आवृत है। भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं तथा जब तक कल्प की स्थिति बनी रहती है तब तक वे ही युग युग में अवतार धारण करके समूची सृष्टि की रक्षा करते हैं। वे विष्णु सत्वगुण धारण किए रहते हैं। उनके पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। राजेंद्र, जब कल्प का अंत होता है तब वे ही अपना तमा प्रधान रौद्र रूप प्रकट करते हैं और अत्यंत भयानक आकार धारण करके संपूर्ण प्राणियों का संहार करते हैं। इस प्रकार सब भूतों का नाश करके संसार को एकार्णव के जल में निमग्न कर वे सर्वरूपधारी भगवान स्वयं शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं। फिर जागने पर ब्रह्मा का रूप धारण करके वे नए सिरे से संसार की सृष्टि करने लगते हैं। इस तरह एक ही भगवान जनार्दन सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव नाम धारण करते हैं। वे प्रभु सृष्टा होकर स्वयं अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक होकर पालनीय रूप से अपना ही पालन करते हैं और संहारकारी होकर स्वयं अपना ही संहार करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश सब वे ही हैं।
क्योंकि अविनाशी विष्णु ही सब भूतों के ईश्वर और विश्व रूप हैं। इसलिए प्राणियों में स्थित सर्ग आदि भी उन्हीं के सहायक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हैं, अगर आप ध्यान सीखना चाहते हैं, मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। और अभी आप पद्म पुराण सुन रहे थे। मैं धीरे धीरे एक एक टॉपिक, जितने भी पद्म पुराण में हैं, मैं वो लेके आता रहूँगा। और इससे पहले भी मैंने कुछ ऑडियो बनाए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो उसे ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिएगा। आगे भी मैं 18 पुराण जो है, इसके अलावा जो 17 पुराण हैं, तो वो भी मैं इस चैनल पे लेकर अवश्य आऊँगा। आप लोगों के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।